हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज सुबह से ही एक आई ड्रॉप की काफ़ी चर्चा है। माना जा रहा है कि आई ड्रॉप 15 मिनट के अंदर आपका चश्मा हटा देगी, हालांकि ये चश्मा किसी विशेष कैटेगरी का होना चाहिए, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सुबह से ही काफ़ी मीडिया हाउसेज में ये चर्चा है कि DGCI ने इसको मंजूरी दे दी है। DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनके अंदर एक कमेटी होती है जो कि दवाइयों की मंजूरी देती है, ठीक है। कई प्रकार की कमेटियां इनके अंदर होती हैं, अगर कैंसर की दवा है तो उसके विशेषज्ञों की एक कमेटी होगी, ठीक है, और कोविड से संबंधित है तो उसके विशेषज्ञों की एक समिति होगी, ठीक है। तो इस तरीके की कई कमेटीज होती हैं इनके अंदर, और उस कमेटी की सिफारिश के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि ये दवा जो है वो लोगों के लिए हानिकारक तो नहीं है। वो कमेटी रीड करती है पूरी तरीके से कि कितने इसके ट्रायल हुए, किन किन लोगों पर ट्रायल हुए, क्या रिजल्ट्स आए। और आज सुबह से ही चर्चा है कि DGCI ने इस दवा को जो है मंजूरी दे दिया। लोग काफी उत्साह से देख रहे थे कि 15 मिनट के अंदर चश्मा हट जाएगा, इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी और कहाँ आएगी, ठीक है। ये दावा किया गया कि ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि DGCI के अंदर ही काम करती है, विशेषज्ञ समिति है, उसने जो है इसको मंजूरी दे दी है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में आखिर ये ड्रॉप को लेकर जो सब कुछ चल रहा है ये है क्या। दरअसल इस ड्रॉप को जो बनाया है वो इंटोड फार्मा एक भारत की ही कंपनी है, जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है, और ये कंपनी लगभग 60 देशों में अपना कारोबार करती है और काफ़ी लंबे समय से कंपनी जो है काम कर रही है। 1981 से काम करती है, बांद्रा मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एक भारतीय कंपनी है जो कई सालों से इस ड्रॉप पर जो है काम कर रही है। ये ड्रॉप पहले भी न्यूज़ में रही थी, जब इसकी ट्रायल चल रही थी, ट्रायलों को मंजूरी मिली थी तब भी ये न्यूज़ में थी, और अब मंजूरी का दावा किया गया तो उसके बाद ये न्यूज में आ गई। इसमें किया क्या गया, इन्होंने ये कहा है कि एक प्रस्यू नाम की दवाई है जो इन्होंने बनाई है, प्रस्यू नाम की, ठीक है, PRESVU। ये दवाई जो है प्रेस बायोपिया को प्रभावित व्यक्तियों पर प्रभाव डालेगी। प्रेस बायोपिया क्या होता है वो अभी मैं आपको एक मिनट के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और इस व्यक्ति को इससे, इस रोग से प्रसिद्ध जो लोग होंगे उन्हीं के लिए काम करेगी, और पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, ऐसी बात इन लोगों ने की है। प्रेस बायोपिया क्या होता है कि देखिए, सामान्य भाषा में समझे तो आप अगर गांव में रहते हो या शहर में रहते हो तो आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, 50 क्रॉस कर जाए, तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो काफी नजदीक से लाकर पढ़ते हैं, या फिर वो एक नजर का चश्मा बनवा कर रखते हैं जो उसको पढ़ लेते हैं। तो जो नजर के चश्मे की जो जरूरत पड़ती है वो नजदीक के लिए पड़ती है, जिनको किताबें पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिक्कत होती है, और उसी समस्या के लिए ये दावा किया गया है, ठीक है। इसमें जो दिखाया जाता है मीडिया में, ये दिखाया जाता है कि 15 मिनट के अंदर चश्मा हट जाएगा, तो सारी कैटेगरी के चश्मा इससे नहीं हटेंगे। कंपनी ने ये कहा है कि इससे जो प्रेस बायोपिया है, यानी कि जिनको नजदीक की प्रॉब्लम है अखबार वखबार पढ़ने के लिए, उनकी समस्या दूर हो सकती है। क्या एक बार ड्रॉप डालेंगे तो जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाएगा? नहीं, ये ड्रॉप डाल के आप किताब पढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखिए, जनरली आप देखते होंगे कि गांव में लोग कहते हैं कि आंख में सुबह सुबह पानी के छींटे मारने चाहिए, आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। या आप कभी चश्मा लगाते हैं, जैसे मैंने ये चश्मा लगा रखा है, इसका नंबर है कोई चश्मे का, दूर की नजर जो है उसके लिए समस्या है। तो जब कभी हम पानी से अपनी आंखें धोते हैं तो पानी की जो लेयर अंदर जाती है, आंखों के अंदर जाती है, और आंखों को अगर आप मूवमेंट कराएंगे तो उसकी वजह से कभी कभी एक लेंस बन जाता है, क्योंकि जो आंखों पे मैंने जो चश्मा लगा रखा है ये भी एक लेंस ही है, ठीक है। और पानी जब आंख के अंदर जाता है तो आंख को अगर आप मूवमेंट कराओगे तो काफी मूवमेंट के बाद आपको एक समय पर ऐसा लगेगा कि आपको बिना चश्मे के दिखाई दे गया कुछ, वो कुछ सेकंड के लिए दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो पानी आंख के अंदर गया है वो पानी कभी कभी आपस में जो उसके पार्टिकल्स टकराते हैं उसके टकराने की वजह से एक लेंस का काम कर देता है, वो क्षणिक समय के लिए होता है, क्योंकि आंख के मूवमेंट के साथ पानी फिर मूवमेंट कर देता है उसके अंदर, तो वो टूट जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि एक या दो सेकंड के लिए आपको बिना चश्मे के सब कुछ क्लियर दिखाई दे जाएगा। नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, पानी से कोई समस्या आपको नहीं होगी। पानी आंख में मारी है तो आपको पता चल जाएगा कि एक पॉइंट पर आके आपकी आंखें बिना चश्मे के आपको अच्छा दिखा देंगी। तो ऐसी ही कुछ कहानी इस आई ड्रॉप की है कि आपको पढ़ना है तो आई ड्रॉप डाल लीजिए, आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ पाओगे, ऐसा इस कंपनी का दावा है, ठीक है। सुबह से कई न्यूज़पेपर्स, कई अखबार, नेशनल मीडिया में भी कई चैनलों पे दिखा दिया गया कि DGCI ने इसको मंजूरी दे दी है।
ठीक है, कमेटी ने इसको मंजूरी दे दी है, ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल कमेटी ने भी इसको मंजूरी दे दी है। प्रशु नाम की दवाई है, इसको सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसको सीडीएससी बोलते हैं। सीडीएससी का हेडक्वार्टर जो है वो आपका कोलकाता के अंदर है, ठीक है। तो सीडीएससी ने इसको मंजूरी दी है, सीडीएससी विशेषज्ञ कमेटी जो है वो बनाती है, वो कमेटी ये डिसाइड करती है। ये सब कुछ जो है वो डीजीसीआई के अंदर ही होता है, ड्रग कंट्रोलर के अंदर ही होता है, ठीक है। ये द हिंदू का एक स्क्रीनशॉट है, दोपहर में जब ये खबर काफी चली, लोगों में काफी पॉपुलर ये खबर हो गई, लोगों को काफी खुशी होने लगी कि देखो ऐसी ड्रॉप जो है वो बना दी है, ठीक है। तो उसके बाद हिंदू की ये कटिंग है, ये हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग है कि आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि एंटोड फार्मास्यूटिकल ने प्रस्यूब आई ड्रॉप के बारे में तथ्यों को अनैतिक और गलत तरीके से पेश किया है। यानी कि इन लोगों ने इसका प्रचार करने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए जानबूझ के ये कह दिया है कि इसको जो है वो डीजीसीआई की परमिशन मिल गई है। ये देखिए कहा गया है कि एएनआई के एक शीर्ष अधिकारी, एएनआई एक न्यूज एजेंसी है आपको पता होगा, जो कि नेशनल न्यूज है आप हमारा, ठीक है, सारे न्यूज चैनल्स को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती है। एएनआई के एक शीर्ष अधिकारी सूत्र ने बताया है कि एंटोड फार्मास्यूटिकल द्वारा अपने उत्पाद प्रश्यु आई ड्रॉप के बारे में दिए गए दावे, क्या दावा किया गया था कि इसको डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है, यह प्रश्यूबिया के लिए शानदार उपचार प्रदान करता है, अनैतिक और तथ्यों की झूठी प्रस्तुति है। यानी कि यह इंफॉर्मेशन गलत है कि इसको डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है, बिना कुछ लेफ्ट राइट देखे हुए पूरे सोशल मीडिया में कई न्यूज पेपरों पर इस पर कई वीडियोज आए, कई चैनलों ने इस पर वीडियोज डाले कि मंजूरी मिल गई है बिना किसी उसके। ऐसा माना गया है कि अफवाह जो है वो इस कंपनी के द्वारा ही उड़ाई गई है। अब इसको डीजीसीआई ने नोटिस इश्यू किया है कि आपने ऐसा क्यों किया है, किस पर्पज से किया है, वो हमें आप बताइए, बिना मंजूरी के आपने कैसे कह दिया कि जो है मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने वाली जो कहावत है उसमें इसी के किसी अधिकारी ने, जो कंपनी है इसी के किसी अधिकारी ने कहा है कि हमें मंजूरी मिल गई है, सोशल मीडिया के थ्रू जल्दी से फैल गया और काफी दिनों से लोगों को इंतजार था कि ऐसी कोई जादुई दवा आए कि 15 मिनट के अंदर चश्मा हटा दे। हालांकि ये पॉसिबल है, जो ये रोग है आपका जिसकी बात करने जा रहे हैं प्रेस बायोपिया, ये पॉसिबल है क्योंकि मैं अगर किताब पढ़ते समय चश्मा लगा रहा हूं, मुझे चश्मे की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन मुझे छोटे अक्षर नजदीक से दिखाई नहीं देते हैं और मैं आई ड्रॉप डाल लूं, चश्मा नहीं लगाऊं, मैं आई ड्रॉप डाल लूं, तो हो सकता है कि वो आई ड्रॉप मेरे आंख के अंदर जाए, उसकी लेयर 10-15 मिनट तक रहे पानी की तरह और वो नॉर्मल काम करेगी, क्योंकि बहुत हैवी नंबर नहीं होता है, बहुत छोटा नंबर होता है, वो 0.25 के आसपास का नंबर होता है, तो आराम से काम कर जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर ज्यादा है, जैसे मेरा नंबर 4.5 माइनस के अंदर है, यानी कि मुझे दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम होती है, मैं डालूंगा मेरे कुछ नहीं होगा उस ड्रॉप से, ठीक है। तो नजदीक के लिए पॉसिबल है लेकिन ये सब लोगों का चश्मा हटा देगी, चश्मा हटाने की दवाई है, ये सब पूरी तरीके से अफवाह है और न इसको अभी तक डीजीसीआई ने मंजूरी दी है, जिस तरीके से द हिंदू ने इसको कवर किया है और भी अब कई न्यूज चैनलों ने या न्यूज़पेपर्स ने बताया है कि ये गलत अफवाह फैला दी गई कि 15 मिनट के अंदर चश्मा हटाने वाली दवाई को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। हो सकता है 15 मिनट के अंदर चश्मा हटा दे, लेकिन वो एक विशेष कैटेगरी, यानी कि सिर्फ किताब पढ़ने के लिए, बशर्ते कि आपको कोई आंखों में और कोई समस्या नहीं हो, आपका नंबर बहुत ज्यादा नहीं हो, तो फिर एक समस्या हो सकती है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा संभव है कि 15 मिनट के अंदर आपका ऐसा काम हो जाए, क्योंकि वो एक लेयर अगर दवाई डालोगे और वो आपके लेंस के सामने अगर एक लेयर बना ले आपके रेटिना के सामने, तो बिल्कुल पॉसिबल है वो लेयर कुछ समय के लिए टिकेगी, कुछ समय के लिए फिक्स रहेगी, घंटे 2 घंटे के लिए जब तक रहेगी तब तक एक लेंस का काम करेगी और आपको बिल्कुल चीजें दिखाई दे सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए हो जाए ऐसा बहुत डिफिकल्ट है। अभी तक तो दुनिया में कोई ऐसी दवाई आई नहीं है जो डालते ही जिंदगी भर के लिए चश्मा आपका हटा दे, उसके लिए तमाम तरीके के ऑपरेशन, लेजर, लासिक और कॉन्टोरा विजन आप देखते होंगे, काफी महंगी महंगी सर्जरीज हैं जो इंडिया के अंदर भी मौजूद हैं सारी सर्जरीज लगभग, तो वो है। तो ये थी खबर इस ड्रॉप से लेकर जो अफवाहें चल रही थी अभी तक बाजार में, और कोई अपडेट अगर इससे रिलेटेड आएगा तो एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।